अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम सुबोधित आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्ट्रेस। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं हिडन टैलेंट ऑफ पाकिस्तान पार्ट टू, पाकिस्तान फनी रोस्ट ट्री ब्रो का ऑफिशियल वीडियो है। देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर से क्या टैलेंट है पाकिस्तान वालों का। देखते वीडियो को करने से पहले मार्केट मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन क्लिक करें। अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं भाई कैसी वीडियो है, कैसी इन पाकिस्तान। अच्छा ये वो आग जो लग रही थी देख ले, क्या बात इन इंडिया। ओ हो, ये तो बिजली के साथ कर रहा है ना, बिजली के साथ उस पार्क। ओ भाई क्या बात है, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो भाई लोग बात करते हैं कंगाल मुल्क के उन कंगाल और जुगाड़ू लोगों के बारे में जिन्हें अपनी हर आड़ी टेढ़ी हरकतों में टैलेंट नजर आता है। सीढ़ी से उतरना टैलेंट, कुर्सी पर खड़े होना टैलेंट, बाइक चलाते हुए नहाना टैलेंट, बड़े बड़े जो है वो उठाए हुए वरना पिछवाड़े से लेकर गली तक बाबा से के मस से निकलेंगे और सुबह हगते हुए पिछवाड़े से गर्मा गर्म लावा निकलेगा। सो अलग मतलब भाई कांड फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। और भाई चूतिया पंती करते हुए बैकग्राउंड में पाकिस्तानी सॉन्ग वो तो भाई ऐसे बजा देते हैं जैसे ये कोई जुगाड़ नहीं, पोर्कियों द्वारा की गई अद्भुत खोज हो। भाई कंगाली का आलम देख रहे हो, मतलब सैनिटाइज करने के लिए भी बंदों के पास व्हीकल नहीं है, ऊंट के पिछवाड़े में पाइप लगाकर सैनिटाइज किया जा रहा है। भाई ये पाकिस्तान के वो टैलेंटेड बंदे हैं जो जमीन पर चलने वाले ऑटो रिक्शा को हवा में उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ने वाले प्लेन को रोड पर चला रहे हैं, ट्रैक्टर के आगे चारपाई लगाकर जेसीबी बना रहे हैं और कार के आगे गधा लगाकर गधा गाड़ी बना रहे हैं। भाई गधा गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट तो ऐसे लगा रखा है जैसे ट्रैफिक पुलिस असली गाड़ियों को छोड़कर सबसे पहले इसी की चेकिंग करेगी। भाई चलो ये तो तब भी कबाड़ की गाड़ी है, पोर की गधे तक के पीछे नंबर प्लेट लगा देते हैं। भाई गधों के साथ तो ये इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं मानो गधा कोई जानवर नहीं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय वाहन हो। आम जनता से लेकर पाकिस्तानी सेना तक गधे का सदुपयोग करती है। भाई जहां अन्य देशों में ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली उठाई जाती है वही पाकिस्तान में जहां अन्य देशों में गाड़ियों में हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं वही पाकिस्तान में ये अरबिक वीडियो गेम में देखी थी, ये अरबिक वीडियो जहां अन्य देशों में किसी व्हीकल से केमिकल छिड़काव किया जाता है वहीं पाकिस्तान में भाई थोड़ा सस्ता पड़ता है ना बात ये। जहां अन्य देशों में पटरियों पर ट्रेनें दौड़ती नजर आती हैं वहीं पाकिस्तान में भाई ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता, जहां अन्य देशों में कार और बाइक की रेसिंग की जाती है वहीं पाकिस्तान में गधों की रेसिंग में देखा है बहुत ज्यादा गधे गिरे जाते हैं। भाई जो काम पाकिस्तानी वाहन नहीं कर पा रहे वो सारे काम गधे किए दे रहे हैं। और अब तो पाकिस्तानी गधों की जरूरत इतनी बढ़ गई है कि रोड पर गाड़ियों को चलता देख उसका विरोध भी करने लगे हैं। मतलब भाई पाकिस्तानी धरती पर अगर अब कोई वाहन चलेगा तो सिर्फ गधे के साथ, वरना पाकिस्तान में किसी भी वाहन की कोई जगह नहीं और इसके रिजल्ट आने भी शुरू हो गए हैं। और भाई पाकिस्तान के वाहन उनकी तो पोर्कियों ने अपने टैलेंट के दम पर ये हालत कर दी है कि एक निगाह में समझ ही नहीं आता कि आखिर ये है क्या। पीछे से ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली नजर आता है, बीच से मिनी ट्रक और आगे से बाइक, लेकिन इनकी बाइक्स भी कोई आम बाइक्स नहीं होती। पोर्कियों ने अपने टैलेंट के दम पर बाइक्स को नया रंग रूप ही दे दिया है, कोई बाइक को चिकन की तरह खींच कर बड़ा करके घूम रहा है तो कोई बाइक में कार का स्टेयरिंग लगाए घूम रहा है, ये टैलेंट है भाई। कोई बाइक में बुग्गी लगाकर सामान धो रहा है तो कोई बाइक में चारपाई लगाए घूम रहा है।
बाहर है भोसड़ी वालों, क्या तब्दीली है? और इनकी बाइक्स, भाई इनकी बाइक्स का तो कोई जवाब ही नहीं, साला इंजन छोड़कर पूरी बाइक जुगाड़ पर ही चलती है, कोई बाइक की पेट्रोल टंकी के बाहर बोतल लगाकर काम चला रहा है। ये तो क्या है, मेरे मम्मी ने भी ऐसे किया। तो कोई बाइक की पेट्रोल टंकी के अंदर बोतल लगाकर यार ये देख हाजी, मेरे को टंकी बिल्कुल निकाली, दीवार पे बोतल रखा हुआ। भाई ये पाकिस्तान के वो टैलेंटेड बंदे हैं जो अपने जुगाड़ और कंगाली की वजह से दूसरों की खोज और टेक्नोलॉजी की दिन रात माँ बहने करने में लगे रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसी जुगाड़ को पोर्की नाम देते हैं टैलेंट का। अब इस बंदे को ही देख लो, इस बंदे ने तो अपने टैलेंट के दम पर ट्रैक्टर का नक्शा ही बदल दिया। माशाल्लाह जुगाड़ था भाई, अगर देखिए जिसको बोलते हैं जुगाड़ करना, वो एक बंदा तो जो था वो बेवकूफ है, लेकिन बाकी कुछ लोग होते एक चीज गधे वाला जो था वो कर देखे सस्ता पड़ता है, बाकी वो जो गाड़ी वाला जो गाड़ी उसमें डेफिनेटली पेट्रोल लगता होगा, लेकिन ये जो गधे पे ले जा रहा था सस्ता पड़ रहा है भाई, इसका पैसे बचाना। तो ये होता है यार, कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर लेते हैं वो चीज उठा के, मतलब उसको चेंजिंग जो था लास्ट में ट्रैक्टर जो था वो रिवर्स पे आ रहा था, स्ट्रिंग मरखान पता नहीं कैसे यहाँ पे लाया गया था उसका। नहीं है, मुझे लग रहा था वो इस तरह था, मुझे सर लग रहा जिस तरह आगे वाले टायर जो पीछे किए होते और पीछे वाले टायर आगे किए, इस तरह से बिल्कुल अपनी जगह सही था। इन्होंने जो स्ट्रिंग का जो होता है ना, ये लोग मिस्त्री लोग तो निकाल लेते हैं, वो तो कहीं भी लगा सकते हैं, तो निकाल के मेरे खाने पीछे लगाया हुआ है, पता नहीं क्या सीन था, बट ये अजीब था। बाकी ये वीडियो थी ट्विप्रो की, काफी फन था, काफी वीडियो इसको उड़ा। वो गधे वाला जो हैंड्रिक वाला वीडियो था वो मैंने देखा था, वो अरब लोग थे पता नहीं कौन सी कंट्री, यमन उस साइड वालों की वीडियो थी, वो हैंड्रिक जो लगाया हुआ होता है क्या इंवेंशन थी भाई, सारे नए साथिया गधों के साथ हुई थी भाई, ये गलत है। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आए प्लीज रोजन नंबर साथ में जो करेंगे सपोर्ट मिल रहा है।